बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बच्चों। टुडे इज़ फ्राइडे एंड द डेट इज़ 25th September 2020। क्लास वर्क, क्लास नर्सरी, टॉपिक वेजिटेबल्स, वीडियो नंबर 8, लेक्चर नंबर 8, बुक रीडिंग पेज नंबर 22, एक्टिविटी बुक पेज नंबर 35। बच्चों, दिस इज आवर टेक्स्ट बुक, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स बोलते हैं बेटा सब्जियों को, ठीक है। वेजिटेबल्स बोलते हैं सब्जियों को। वेजिटेबल्स को हम रोज़ाना खाने में यूज़ करते हैं, लाइक कैरेट, पोटैटो, जो आप सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आज हम वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वेजिटेबल में हमारे पास आज सबसे पहले है पीस, इट्स कलर इज ग्रीन, ठीक है। रेडिश, रेडिश का कलर इस वाली जगह से होता है जहाँ से हम इसको खाते हैं, ये होती है वाइट, और यहाँ से इसके जो लीफ होते हैं वो होते हैं ग्रीन, ठीक है। लीफ तो कोई भी होंगे, किसी भी फ्रूट में होंगे, किसी भी वेजिटेबल में होंगे, किसी भी ट्री में होंगे, वो ग्रीन ही होंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल है ब्रिंजल। ब्रिंजल इट्स कलर इज पर्पल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों पोटैटो। ये तो सारे बच्चों का बहुत फेवरेट है, इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं आपकी पसंद की, लाइक फ्राइज, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद हैं जो आप लोग लंचेस में खाते हैं, डिनर में खाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल है लेडी फिंगर, इट्स कलर इज ग्रीन, ठीक है। अनियन, ये हैं बच्चों पेज नंबर 22 हमारे पास, और ये हैं वेजिटेबल्स। ये डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं हमारे पास। मैंने अभी आपको सारी वेजिटेबल्स वन बाय वन दिखाई हैं, अब मैं आपको ओवरऑल दिखाऊंगी इनकी पिक, ठीक है। ये हैं अनियन, ये है पोटैटो, पीस, रेडिश, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ठीक है बच्चों। वी हैव 6 वेजिटेबल्स। अनियन मैं आपको दोबारा पढ़ा रही हूँ बच्चों, मेरे साथ साथ आप सारे बच्चों ने पढ़ना है। अनियन, पोटैटो, पीस, रेडिश, लेडी फिंगर, ब्रिंजल, ठीक है बच्चों। अब ये है हमारा एक्टिविटी बुक, लेट्स एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड अस। ये है हमारी एक्टिविटी बुक, ठीक है बच्चों, और ये है पेज नंबर हमारा 35। एक्टिविटी बुक पे हमने पेज नंबर 35 ओपन करना है, और यहाँ पे राइट किया हुआ है सबसे पहले वेजिटेबल्स। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप डेट राइट करेंगे आज की, नीचे राइट किया हुआ है वेजिटेबल्स, कलर द वेजिटेबल्स। डिफरेंट पिक्चर्स हैं हमारे पास, इनमें कुछ फ्रूट्स की हैं, कुछ वेजिटेबल्स की हैं, लेकिन हमने ओनली वेजिटेबल्स में कलर करना है, ठीक है बच्चों। जो वेजिटेबल होगी, जो पिक्चर, उसमें हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए आप सारे बच्चों ने पहले आउटलाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने उस ऑब्जेक्ट को, उस पिक्चर को फिल करना है। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेजिटेबल इनमें से कौन सी है, ठीक है, जो हमने अभी अभी जिनकी रीडिंग की है। जिन सबसे पहले यहाँ पे बनी हुई है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी बच्चों एक फ्रूट है, वेजिटेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है वो है रेडिश। रेडिश की हमने अभी अभी रीडिंग की है, ठीक है बच्चों। रेडिश की हमने अभी रीडिंग की है, रेडिश एक वेजिटेबल है। आप रेडिश में कलर करेंगे। रेडिश में कलर करने के लिए सबसे पहले आपने इसके लीफ में कलर करना है। रेडिश के इस जगह पे आपने अगर कलर करना है तो आप वाइट कलर करेंगे, ठीक है। आपने इसके अंदर कोई और कलर नहीं करना बच्चों, आपने रेडिश के लीफ में सिर्फ ग्रीन कलर करना है। और यहाँ पे अगर आप कलर करना चाह रहे हैं तो आपने वाइट कलर करना है। वाइट कलर की पहले आपने आउटलाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने कलर करना है। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर है बच्चों बनाना की। बनाना एक वेजिटेबल है क्या? बनाना एक वेजिटेबल नहीं है, बनाना एक फ्रूट है, ठीक है। हम बनाना में भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि हम तो वेजिटेबल्स में कलर कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेबल में क्या आता है? टोमेटो।
टोमेटो एक फ्रूट है, फ्रूट है क्या, वेजिटेबल है, एक वेजिटेबल है, हम इसको वेजिटेबल में यूज़ करते हैं। आपने टोमेटो में रेड कलर करना है, ठीक है बच्चों, टोमेटो में रेड कलर होगा, आपने आउटलाइन बनानी है, देन कलर करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है वो है लेमन की। लेमन एक फ्रूट नहीं है, लेमन एक वेजिटेबल है, आपने लेमन में येलो कलर करना है, ठीक है, लेमन में येलो कलर होता है। आप सारे बच्चों ने आउटलाइन बनानी है येलो कलर की, देन आपने कलर करना है। इस तरह आप सारे बच्चों ने आउटलाइन बनानी है। मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडिश में आउटलाइन बनाई है, टोमेटो की आउटलाइन बनाई है और लेमन की आउटलाइन बनाई है। आउटलाइन बनाने से बच्चों कलरिंग बहुत नीट होती है, मैं आपको बार बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बनाते हैं आउटलाइन और वो उनकी कलरिंग अच्छी नहीं होती है। आप लोगों ने जब भी कलर करना है सबसे पहले आउटलाइन बनानी है, देन आपने कलर करना है। जब आप अच्छा सा कलर करोगे तो इस जगह पे टीचर बहुत अच्छे से आपको कमेंट्स पास करेंगी, ठीक है बच्चों। डे फ्राइडे, डेट 25 सितंबर 2020 में एक्टिविटी बुक पेज नंबर 36 पे हमारा होमवर्क है, ये है पेज नंबर 36, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डेट राइट करनी है। कलर द सेम वेजिटेबल्स, सेम वेजिटेबल्स में आपने कलर करना है बच्चों। यहाँ इस लाइन में डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, इस लाइन में जो सेम वेजिटेबल्स हैं उनमें कलर करना है। सेकंड रो में सेम वेजिटेबल्स में कलर करना है, थर्ड रो में भी आपने सेम वेजिटेबल्स में कलर करना है। जो सेम सेम है एक जैसे हैं आपने उनमें कलर करना है, ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ पे पोटैटो है और फिर टोमेटो है। अब दो जगह पे पोटैटो है और एक जगह पे टोमेटो है, दो जगह पे टोमेटो पोटैटो आया तो आपने दो जगहों पे पोटैटो में कलर करना है, टोमेटो में आप कलर नहीं करेंगे। अब सेकंड रो में हमारे पास रेडिश है, फिर चिली है, फिर रेडिश है। अब दो जगह पे रेडिश आ गई, आपने रेडिश में कलर करना है आउटलाइन बना के। नेक्स्ट हमारे पास है पीस, पीस लेमन पीस, ठीक है, दो जगह पे पीस है, आप पीस में कलर करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय बच्चों।